खांचे मिलते हैं हमारे को इस मशीन के, और 25 से 30 हज़ार इसका प्राइस है। और जो मोटर वाली मशीन है उसका कम से कम भी प्राइस होगा 60-70 हज़ार के बीच में। तो मोटर में ज़्यादा गमले निकल जाएंगे, उसमें मैनुअल कम काम पड़ेगा। तो हमने जो ये साइज़ निकाला है, ये साइज़ परफेक्ट साइज़ है फॉर मार्केट प्राइस। हमने इसका प्राइस रखा है 20 रुपया एक गमला। अभी अंदर सूखे गमले पड़े हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब आप प्लीज़ एक जना आए यहाँ पे प्रैक्टिकल करें। जैसे हमने आटा बनाना है, सूखा और गीला गोबर का मिक्सचर करना है, ठीक है? गुनिए इसको, आटा आटे की तरह बनाइए इसको। बैठ जाइए नीचे, आराम से बैठ जाइए। देखिए सूखा और होरी पीड़ी सिर्फ गोबर है, सूखा प्लस गीला। नहीं, भूसा अगर पड़ा है तो मिलाइए, वरना ज़रूरत नहीं है। हल्का बहुत मिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा मिलाएंगे तो भी टूटेगा। कड़ापन गोबर, हाँ थोड़ा गोबर का कड़ापन होना चाहिए बस। ठीक है, ये अच्छी तरह से बना दिया इसका आटा। अब अच्छी तरह से इसको प्रेस करें, अच्छी तरह से प्रेस कर दो ना चारों तरफ से। ठीक है, अब इस मशीन को घुमाना है। एक जना प्लीज आप घुमाइए, नीचे ले जाइए पूरी। हाँ ये देखिए सूखे गमले, ये आप देख सकते हैं, रख दीजिए डिस्प्ले के। नहीं होंगे इसके, 2 महीने तक, 2 महीने तक चल जाते हैं ये। फिर इसकी रूट्स बाहर निकल आएंगी। आपने क्या करना है, फिर ज़मीन में जहाँ भी आपको अपना पौधा लगाना है, आपने गड्ढा करना है उसमें एज इट इज़ डाल देना है। तो पौधे का 2 से 3 महीने का डाइट ऐसे ही डाल देना है। धीरे धीरे ये मिट्टी में घुल जाएगा। तो पौधे की और प्रेस करो, बस नहीं बस। अब आप ही साइडों से निकालिए, साइडों से निकालिए, उसको नीचे वापस फेंक दीजिए, वहाँ से भी निकालिए। सूखने में ऑलमोस्ट कितने टाइम लग जाएंगे? 4-5 डेज तो लग जाते हैं। जैसे लकड़ी बनी हमारी, जो उपले बनते हैं, सूखने में टाइम लगता है, सेम प्रोसेस है। ठीक है, अब आपने जिस समय इसको निकालना है ना, तो आप देखिए, एक मिनट छोड़िए, हल्का सा आपने ऐसे किया, फिर से टाइट किया, ठीक है, फिर से हल्का सा इसको किया आपने, क्योंकि 2 से 3 बार आपने इसको प्रेशर देना है ताकि वो नीचे पूरा एकदम फिट हो जाए। अभी साइडों वाला और निकाल लीजिए, साइडों से। अब इसको आप हल्का हल्का करके, हाँ हल्का हल्का करके आप घुमाते जाइए इसको। हाँ जी घुमाते जाइए, ऊपर आएगा। आराम आराम से, हाँ जी वो अंदर से। एक मिनट, अभी अभी नहीं, पहले पूरा ऊपर आएगा, बाहर आएगा, ठीक। अभी नीचे से आराम से आपने उठाना है, आराम से। हाँ कर लीजिए साइड से, जैसे वो मिट्टी का वो। हाँ, निकाल लीजिए, ऐसे बाहर निकालिए। इसको पकाया नहीं जा सकता, नीचे हाथ रख लीजिए, नीचे हाथ रख लीजिए, नीचे ना होगा कुछ ना होगा। ठीक है, अब इसको आप वहाँ रख के आए। इसके बीच में आप ना होल कर सकते हैं, इसको दिखाइए, इधर आइए। ये डंडा बड़ा है वैसे छोटे डंडे से इसमें, क्योंकि जब हम पानी देंगे तो पानी नीचे चला जाए। हल्का सा होल करना है इस बीच में ना। हाँ जी, पानी का जमीन में चला, देखिए। ठीक है, अब इसको वहीं रखाइए सामने। अब दूसरा जन आए, प्लीज आप बैठिए। बस जो गोबर मिला रहे भाई वही है। हाँ डाल दीजिए, अब डाल दीजिए, बहुत ज्यादा भी नहीं करने की जरूरत, थोड़ा मिक्सचर बनाना है, एक आटा सा बना देना है, कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं गोबर का गमला बना रहे हैं, इसको ऊपर करते हैं। बस बहुत ज्यादा ऊपर नहीं करना, वो नीचे चला जाता है ना अंदर, इतना ही रखना है बस। अब इसको भर रहे हैं सबसे पहले, और भरिए पूरा ऊपर तक भरना है इसको। अब मैं इसको प्रेस करते हैं, यहाँ हटाने वो भी करिएगा प्रेस। ठीक है, हाँ जी फिर से प्रेस करेंगे, फिर दोबारा प्रेस करो, फिर दोबारा इसको प्रेस प्रेस अच्छी तरह से करना है। बस ये निकाल लीजिए साइड से सारा, दोबारा से एक बार फिर प्रेस करो, एक बार फिर प्रेस करो,
दोबारा और प्रेस कर लेते हैं, जो साइड में होगा वो बाहर हो जाएगा। साइड से निकाल दीजिए सारा। अब आप गमला निकालिए, तो इसको गमला ओपन कर, थोड़ा स्लो स्लो निकालना है हमने ताकि टूटे ना। यहाँ तक तो आएगा नहीं स्पीड, ये उठाएगा तब स्लो से। देखिए गमला निकल रहा है, डाल दीजिए, बस इतना ही रखना, इतना ही रखना। और गूथ लीजिए, ऊपर उठाओ और हो जाए, इसमें सेट ना चाहिए और लगेगा इसमें, गूथ करके, गूथ करके वही सब जिंदा दे करके सानेगा ना तो और टाइट होगा ये। मतलब सूखा प्लस गीला नरुआ देते ना कर वाला, तार फुटबे नहीं करता, तार तार जब वही नरुआ नरुआ चारों, बस आप कीजिए भूसा जो खाता है ना, मान लो खिलाता है, इसके कारण होता है ये भूसा नहीं, डायरेक्टली लोग खिलाते हैं, लोग तो पुआल खिलाते हैं। ओके, पुआल रेशेदार होता है। हेलो हिमांशी, आ जाओ, कैसे हो? इधर ना हमने टू टीम्स डिवाइड की हैं, एक टीम इधर गमला बना रही है, एक टीम वहाँ पे अगरबत्ती बना रही है उधर पीछे, तो हम एक इधर पहले ले लेते हैं फिर एक वहाँ ले लेते हैं, ठीक है? आ जाओ, अभी भी टूट रहा है साइड से हल्का, चलो निकाल के देखो पहले। ये कुछ नहीं, ये टूट क्यों रहा है साइड से? आटा में आप उधर से गीला लिया ना, वहाँ से गीला नहीं लेना, चलो कोई बात नहीं, हल्का सा प्रेस कर दो इसको, हाथ से शेप कर दो जैसे घड़ा।